हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीता रसोई घर। आज बना रही हूँ मैगी फ्राइड राइस। बहुत ही कम समय में बन जाती है, बहुत ही यम्मी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 पैकेट मैगी लिया है एंड कुक्ड राइस लिया है। जितना आपने कुक्ड राइस लिया हो उस हिसाब से मैगी का पैकेट ले। तो यहाँ मैंने मैगी के पैकेट को फाड़ लिया है और मैगी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे मैगी को अच्छे से तोड़ लिया है। अब मैंने चूल्हे पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी और अब इसमें ऐड करूँगी जीरा और जीरा को चटकने दूंगी। तो जीरा चटक चुका है, अब इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। इसी के साथ मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो यहाँ पर मैं प्याज को भून रही हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर को भी मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और इसे चला लूंगी और थोड़ी देर इसे भूनूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक। इसे मिक्स कर लूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले जले ना। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे भी चला लूंगी और थोड़ी देर इसे भूनूंगी। ये फ्राइड राइस है इसलिए मैं मैगी को मसाले भूनने के बाद ऐड कर दूंगी और इसे चला लूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे चला लूंगी और थोड़ी देर भूनूंगी। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें कुक्ड राइस ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया और इसे चला लूंगी और इसे भूनूंगी। थोड़ी देर बाद इसमें मैगी मसाला जो होता है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया है और इसमें अब ऐड करूंगी नींबू का रस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लूंगी। मैगी फ्राइड राइस हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला है। तो गैस ऑफ कर दूंगी, रेडी है मैगी फ्राइड राइस। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा एंड बड़ों को भी। मैगी फ्राइड राइस बनाना बहुत ही इजी है एंड बहुत ही कम समय में बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।